हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क 2018 एग्ज़ाम के 24 जून के कुछ क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं मेल के थ्रू, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, आरआरबी के लिए और आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस को। इन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं आप 30 जून 2018 तक। इसमें आपको ₹1000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी ई कोर्सेज पर। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है 24 जून को, किसी शिफ्ट में ये पूछा गया है। ही केप्ट ऑन वॉकिंग फॉर द एंड ऑफ द स्ट्रीट टू फाइंड आउट हिज ओल्ड फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से अप्रोच करना होता है। एक एक पार्ट को आपको एनालाइज करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, चूंकि यहां पर प्रपोजिशन लगा हुआ है, इसलिए प्रपोजिशन के बाद और कैप्टन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो होता है कीप ऑन, और यदि सिंपल टेंस में आप इसको यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे ही कीप्स ऑन। ठीक है, चूंकि ये पास्ट है इसलिए यहाँ पर इसको बोला है हमने ही कैप्टन, और कैप्टन चूंकि एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसमें प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है, इसलिए इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। तो ए पार्ट इसमें सही है, ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वह चलता रहा फॉर द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब चूंकि यहाँ पर लोकेशन की बात हो रही है और पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही केप्ट ऑन वॉकिंग टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट की जगह यहाँ पर फॉर के स्थान पर यहाँ पर टू होगा। और कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि यहाँ पर टिल क्यों नहीं होगा। टिल हम नॉर्मली टाइम के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिजिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम फॉर के स्थान पर टू लगाएंगे। और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स हाउस जो है ये सही है, और फाइंड आउट ये सही है, सी पार्ट सही है, डी पार्ट सही है। इसमें आपका बी पार्ट जो है वो इसमें सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। आर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 7 फ्लोर्स। देखिए कंप्राइजेस के बाद इसमें ऑफ नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। पैसिव वॉइस से यदि ये होता, जैसे आर ऑफिस बिल्डिंग इज कंप्राइज्ड, यहाँ पर यदि इज एम आर होता तो हम कंप्राइज के बाद ऑफ लगाते हैं, लेकिन सिंपल टेंस में हम कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगाते हैं। 7 फ्लोर्स एंड ए रेस्टोरेंट एट द टॉप, एक्चुअली यहाँ पर टॉप फ्लोर की बात हो रही है, तो इसलिए ऑन द टॉप कहना यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। ठीक है, और सी इसमें सही आंसर होगा। इसकी जगह आप ऑन द टॉप बोल सकते हैं, और एरिया से पहले एन लगा हुआ है, ये सही है, तो इसमें आंसर आपका सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन 24 जून को ही पूछा गया है, किसी शिफ्ट में। हिज फादर हिम अप इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसके फादर ने उसको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगा दिया। तो होल्ड अप तो सही नहीं है, बिल्ड अप भी सही नहीं है, कीप अप का मतलब तो कंटिन्यू होता है, तो सेटअप ही यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फोर हम देखते हैं। द किंग इशूड गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टिंग राम एंड सीता गोइंग टू द फॉरेस्ट सैम्पल ऑफ इन म्यूजियम इन लखनऊ। मतलब उसने, किंग ने इशू किए गोल्ड कॉइन, और जिसमें किस चीज़ का डिपिक्शन है, राम और सीता जो फॉरेस्ट जा रहे हैं उसका उसमें डिपिक्शन है, उसमें उसका पोर्ट्रेयल है, और इसके जो सैम्पल्स हैं वो म्यूजियम में लखनऊ में रखे हुए हैं। तो सैम्पल्स ऑफ विच आर इन म्यूजियम इन लखनऊ। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि किंग ने इशू किए, और किंग ने जो कॉइन्स इशू किए उसके जो सैंपल्स हैं वो इस समय लखनऊ में रखे हुए हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग ही यहाँ पर सही होगा। विच आर इन म्यूजियम, विच हैज़, विच हैड इन म्यूजियम गलत होगा, विच आर इन म्यूजियम इन लखनऊ कहना सही होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट अग्री टू द कंपनीज अप्रेजल पॉलिसी। कंपनी की एक अप्रेजल पॉलिसी होती है जिसमें कंपनी असेस करती है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को। तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि मैंने एग्री नहीं किया, मैंने अप्रूव नहीं किया कंपनी की अप्रेजल पॉलिसी को, एग्री नहीं किया। देखिए, पर्सन के साथ जब हम अग्री करते हैं तो एग्री विद हम लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम अग्री करते हैं तो नॉर्मली हम अग्री टू लगाते हैं। तो अग्री टू इसमें आपका सही आंसर है, और यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, अग्री विद इसमें गलत होगा आंसर। ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आगामी बैंकिंग एग्जाम्स में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो इनको आप ध्यान से देखिए।
As a member of the cabinet, Iyer had the opportunity to observe debate and see which they were resolved. इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, इसको हम बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस समय. तो एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट आयर जो था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो डिबेट्स को, जो डिबेट्स वहाँ पर होती थी उनको वो ऑब्जर्व कर सकते थे एंड सी, एंड सी इसमें सही ऑप्शन क्या होगा. अबाउट, देखिए सी के बाद अबाउट दे बीइंग रिजॉल्व तो गलत है, एंड सी टू इट्स रिजोल्यूशन ये भी कहना गलत होगा. सी दैट इट वॉज रिजॉल्व, देखिए यदि आप ऐसे बोलते हैं कि ऑब्जर्व डिबेट एंड सी दैट इट वॉज रिजॉल्व, मतलब यहाँ पर यदि आप ये वाला सेकेंड ऑप्शन बोलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो वहाँ पर निश्चित करते थे कि डिबेट को रिजॉल्व किया जाए. ठीक है, तो ये कहना गलत होगा. यहाँ पर इसका सही होगा हाउ दे वर रिजॉल्व, मतलब डिबेट जब होती थी उसमें किसी प्रॉब्लम का डिस्कशन होता था और अय्यर चूँकि कैबिनेट के मेंबर थे वो देख सकते थे कि रिजॉल्व किस तरीके से, डिबेट में जो सॉल्यूशन होता था किसी प्रॉब्लम का उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता था. डिबेट जब होती है तो उसमें हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और उसमें एक डिस्कशन चलता है, एक प्रोसीजर चलता है उसमें. ठीक है, तो प्रोसेस को दिखाने के लिए हम हाउ वर्ड का प्रयोग करेंगे. ठीक है, हाउ समथिंग इज डन जैसे हम बोलते हैं. ठीक है, तो इसलिए इस हिसाब से यहाँ पर हाउ देवर रिजॉल्व्ड कहना सही होगा. हाउ देवर, देखिए ये इसलिए भी नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहे हैं डिबेट्स और यहाँ पर आप बोल रहे हैं इट वॉज, मतलब ये मैच नहीं खाता क्योंकि यहाँ पर डिबेट्स प्लूरल है और यहाँ पर ये पार्ट सिंगुलर है, तो इसलिए ये तो वैसे भी गलत हो गया आपका. तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा आपका फोर. अय्यर को एक अपॉर्चुनिटी होती थी और वो देख सकते थे कि डिबेट्स को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता था, तो फोर इसमें आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ईच ऑफ द लोन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ब्रांच मैनेजर. यदि आप ईच ऑफ द लोन्स बोलते हैं तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी इसके बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन होनी चाहिए, तो ये जो फ्रेज है ये गलत है. ठीक है, ईच ऑफ द, ईच वन ऑफ द लोन ऐसे कहना भी गलत होगा. ईच वन ऑफ द लोन इसमें सही होगा एनी ऑफ द लोन कहना भी गलत होगा. ऑल ऑफ द लोन यहाँ पर एस आना चाहिए इसमें, ऑल ऑफ द लोन्स यदि आप बोलते हैं. एनी ऑफ द लोन एक्चुअली सेंसलेस है, यहाँ पर सही होगा एवरी लोन. एवरी लोन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ब्रांच मैनेजर, क्योंकि एवरी के बाद जो नाउन आती है वो सिंगुलर में आती है. यदि आप ऑफ लगा देंगे इसमें तो ये प्लूरल में आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा एवरी लोन, ए इसमें सही आंसर आपका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ही हैज़ ए चांस टू रिडीम हिम आफ्टर लास्ट वीक्स मिस्टेक. रिडीम का क्या अर्थ होता है? रिडीम का मतलब होता है अपने पाप का प्रायश्चित करना. ठीक है, तो इसमें रिडीम के बाद हम नॉर्मली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. ही हैज़ ए चांस टू रिडीम हिमसेल्फ आफ्टर लास्ट वीक्स मिस्टेक. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर, टू रिडीम हिमसेल्फ. एन एम्प्लॉय विल गेट द इंसेंटिव ओनली इफ ही डिजर्व्स इट. ठीक है, एन एम्प्लॉय जो है वो सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये कॉमन नाउन है इसलिए इसमें हम ही यानी मैस्कुलिन जो जेंडर है उसको प्रेफर करेंगे और इसमें ही बोलना सही है. ही के बाद इसमें वर्ब में एस बी लगा हुआ है तो इसलिए ये भी इसमें सही है और इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. पीटर वन द रेस फेयरली एंड स्क्वायरली, मतलब पीटर ने रेस जीती पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से. तो इसमें जो सही इडियम है वो है फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर. पीटर वन द रेस फेयर एंड स्क्वायर, ए इसमें सही आंसर होगा. क्वेश्चन 11 देखते हैं. द कुक्स ऑन ए स्टोरी इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, मतलब उन्होंने एक 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 स्टोरी को क्रिएट किया सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. तो सबसे पहले तो ये पास्ट टेंस में होना चाहिए और पास्ट टेंस में होने के बाद इसको होना चाहिए कुक्ड अप. कुक्ड अप मतलब फैब्रिकेटेड स्टोरी, बनी हुई स्टोरी. तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दे कुक्ड अप अ स्टोरी. सेकंड इसमें आपका सही आंसर आपका होगा. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. व्हेन ही फेल डाउन द डिच, मतलब जब मैं गड्ढे में गिरा, ही शाउटेड विद ऑल हिज माइट
सो दैट टू कैच समवनस अटेंशन. सो दैट के बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाते हैं, सो दैट ही कैन डू इट. सो दैट के बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाते हैं, यहाँ पर टू है तो टू किससे जुड़ेगा, टू जुड़ेगा सो एस के साथ, सो एस टू कैच. ठीक है, सेकंड इसमें सही आपका ऑप्शन होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SBI क्लर्क आगामी एग्जाम्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. बीइंग, एक्चुअली ये टॉयल्ड होना चाहिए, बीइंग टॉयल्ड फॉर टू आवर्स ही सेट डाउन टू टेक सम रेस्ट, मतलब कड़ी मेहनत करने के बाद वह थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया. एक्चुअली ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से मिस प्रिंट है, टॉयल्ड होना चाहिए ये. तो इसमें आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, क्योंकि परफेक्ट इन्फिनेटिव में एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम होता है. ठीक है, और परफेक्ट इन्फिनेटिव जो होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, उसमें हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो इसमें आपका होगा हैविंग टॉयल्ड फॉर, ये हैविंग और प्लस थर्ड फॉर्म फोर, इसमें सही आंसर आपका होगा. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. सम पीपल बाय नेचुरली टॉक मोर देन अदर्स. सम पीपल नेचुरली टॉक मोर देन अदर्स. सम पीपल नेचुरली टॉक मोर देन अदर्स, कुछ लोग नेचुरली दूसरे लोगों से ज़्यादा बात करते हैं. तो इसमें आपका आंसर होगा सेकेंड, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो इसलिए सम पीपल नेचुरली टॉक मोर देन अदर्स. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर द पासपोर्ट ही टू हिज डिसमे दैट ही हैड टू ब्रिंग इट अलोंग विद हिम टू द एयरपोर्ट. ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर द पासपोर्ट, जब उससे पूछा गया पासपोर्ट के बारे में, तो ही शॉक्ड, ही वॉज शॉक्ड होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया. ही प्लीडेड टू हिज डिसमे, प्लीडेड का मतलब होता है आग्रह करना, तो ये भी गलत है. ही रियलाइज्ड सही है इसमें, ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, ही रियलाइज टू हिज डिसमे, उसको एहसास हुआ और वो शॉक्ड रह गया, डिसमे का मतलब वो शॉक्ड रह गया. ही रियलाइज्ड टू हिज डिसमे दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग इट, कि वो अपना पासपोर्ट लाना भूल गया है. तो इसलिए साइंस के अकॉर्डिंग इसमें सी आंसर आपका सही होगा. ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं. द इंडियन पॉलिटिकल क्लास इज नॉट नोन फॉर के बाद चूंकि प्रपोजिशन है इसलिए ING फॉर्म आना चाहिए. तो इसमें हम लगा सकते हैं फॉर इंगेजिंग, लगा सकते हैं इंगेजिंग के बाद इन भी आ जाएगा, फॉर इंगेजिंग इन सीरियस राइटिंग इवन रीडिंग. ठीक है, तो इसमें चूंकि यहाँ पर राइटिंग दिया गया है तो यहाँ पर रीडिंग कहना सही होगा, क्योंकि राइटिंग और रीडिंग का एक पेयर होता है. और प्रपोजिशन फॉर है तो इसके बाद यहाँ पर ING फॉर्म लगाना सही रहेगा, तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर होगा डी. क्वेश्चन 17 देखते हैं. हिज पेरेंट्स मूव टू अनदर सिटी, ही टू स्टे इन द सिटी. डिस्पाइट हिज पेरेंट्स मूव टू अनदर सिटी, नहीं इससे नहीं बनेगा. इन स्पाइट ऑफ हिज पेरेंट्स मूव टू अनदर सिटी, एक्चुअली इससे भी सही नहीं बनेगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ के बाद हम सब्जेक्ट नॉर्मल लगाते हैं. इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पर ये इससे बन सकता है. दो हिज पेरेंट्स मूव टू अनदर सिटी, ही कंटिन्यूज टू स्टे इन द सिटी. हालांकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो दूसरी सिटी में चले गए हैं, वह इसी सिटी में अभी भी रहता है. तो यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि चूंकि उसके पेरेंट दूसरी सिटी में चले गए, हालांकि उसके पेरेंट दूसरी सिटी में चले गए हैं, लेकिन फिर भी वह इस सिटी में ही रहता है. दो हिज पेरेंट्स मूव टू अनदर सिटी, ही कंटिन्यूज टू स्टे इन दिस सिटी. तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी. सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इज इन डेंजर ड्यू टू एटॉमिक वेपन. एटॉमिक वेपन जो है उसका क्या हो रहा है, एटॉमिक वेपन को हम स्प्रेड कर रहे हैं, उसको प्रोलीफरेट कर रहे हैं. तो प्रोलीफरेशन वर्ड जो है ये सही है, बाकी गलत है. इन्वेंशन, रेगुलराइजेशन, ठीक है, प्रोलीफरेशन सही है. और सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इट्सेल्फ इज इन डेंजर, ये भी सही है. तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी. देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए हैं. इस सेंटेंस से आपको स्टार्ट करना है और इसको सही सीक्वेंस में लगाना है, और उसके बाद जो सही सीक्वेंस बनता है वही आपका इसका आंसर होगा.
इट इज़ टाइम टू डिबेट द मॉडलिटी। इट इज़ टाइम टू के बाद बर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डिबेट। इट इज़ टाइम टू डिबेट द मॉडलिटी, इट इज़ टाइम टू डिबेट द मॉडलिटी ऑफ, सबसे पहले इसमें डी आ जाएगा। इट इज़ टाइम टू डिबेट द मॉडलिटी ऑफ द नेक्स्ट सेंसस, ठीक है। इट इज़ टाइम टू डिबेट द मॉडलिटी ऑफ द नेक्स्ट सेंसस गिविन द अर्लियर कन्फ्यूजन ओवर कास्ट डेटा। तो इसमें पहले आएगा डी और फिर आएगा सी, डी सी ए बी इसमें सही सीक्वेंस आपका रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, द यूएन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फॉर 2017, द यूएन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फॉर 2017, सबसे पहले आएगा इसमें ए और उसके बाद आएगा बी, ए बी डी सी, ए बी डी सी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो क्लास में एक्सप्लेन किए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस अभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 24 जून के कुछ क्वेश्चंस भी मुझे मिले हैं, और जैसे ही दूसरे सभी क्वेश्चंस मिलते हैं दूसरे सभी शिफ्ट के, वो भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, और 30 जून के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल पर। तो यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।